हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू इंग्लिश एक्सप्रेस आई एम जोत्ना एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू ऑल सिक्स चैप्टर ऑफ क्लास 10th इंग्लिश बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फ़ीट द टाइटल ऑफ द चैप्टर इज द मेकिंग ऑफ अ साइंटेंस ये स्टोरी ये जो चैप्टर है रिचर्ड एब्राइट के बारे में है जिन्होंने कई अवार्ड्स विन किए हैं जिसमें से उनका एक अवार्ड था सिरल स्कॉलर अवार्ड और दूसरा इन्होंने विन किया था चेयरिंग अवार्ड किस फील्ड में बायो एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी के क्षेत्र में अब हम देखेंगे इस चैप्टर में कि वो जो इनका फैसिनेशन था बटरफ्लाई को पकड़ने के लिए उसने कैसे इनके लिए एक साइंस का वर्ल्ड ओपन कर दिया था इस चैप्टर में हमें ये भी देखने को मिलेगा कि कैसे इनको एक जो बुक मिलती है जो गिफ्ट की जाती है उनकी मम्मी के द्वारा कैसे इनकी लाइफ को पूरी चेंज कर देती है और इनकी जो मदर हैं कैसे इनको साइंटिस्ट बनने में हेल्प करती हैं सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी एट द एज ऑफ ट्वेंटी टू फॉर्मर स्काउट ऑफ़ द ईयर्स एक्साइटेड द साइंटिफिक वर्ल्ड विद अ न्यू थ्योरी ऑन हाउ सेल्स वर्क बाईस साल की उम्र में आ, ये जो एक लड़का है जिसको कहा गया है फॉर्मर स्काउट फॉर्मर स्काउट यूज़ किया गया यहाँ पे रिचार्ड एब्राइट के बारे में जिसने कि सब पूरे संसार को उत्तेजित कर दिया एक्साइटेड कर दिया हैरान कर दिया यह बता करके कि कैसे जो है ये सेल्स काम करते हैं रिचार्ड एच एब्राइट एंड हिज कॉलेज रूममेट मेट रिचार्ड एब्राइट और उनका एक कॉलेज का जो रूममेट था एक्सप्लेन द थीरी इन एन आर्टिकल जिसने कि एक थेरी जो है अपनी थेरी को एक्सप्लेन किया एक आर्टिकल के जरिए इन द प्रोसीडिंग ऑफ द नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस ये एक मैगज़ीन है एक कह सकते हैं मैगजीन में उन्होंने अपने आर्टिकल को पब्लिश कराया इट वॉज द फर्स्ट टाइम दिस इंपॉर्टेंट साइंटिफिक जर्नरल हैड एवर पब्लिस्ड द बुक ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स ये पहली बार ऐसा था कि क्या चीज़ पहली बार ऐसा था कि किसी साइंटिफिक जनरल मतलब एक वैज्ञानिक जो मैगज़ीन होती है जो बच्चों के जिसने कि एक कॉलेज के स्टूडेंट का कोई आर्टिकल पहली बार अपने उसमें पब्लिश किया था अपनी मैगजीन में ये ऐसा पहली बार हुआ था इन स्पोर्ट्स दैट वुड बी लाइक मेकिंग द बिग लिक्स अगर हम कहें स्पोर्ट्स के क्षेत्र में खेलकूद के क्षेत्र में तो ये उस तरह से है मेकिंग द बिग लीग्स एट द एज ऑफ फिफ्टीन की जैसे कोई पंद्रह साल की ही उम्र में कोई बड़ा सा बिग लीग बना ले मत एक बड़े बड़े स्पोर्ट्स के ग्रुप बना ले जो कि एंड हिटिंग अ होम रन योर फर्स्ट टाइम एट बैट और ये उस तरह से है कि जैसे पंद्रह साल का कोई बच्चा है, जो है एक बहुत बड़ा सा ग्रुप बना ले और ये आपस में ही एक दूसरे से कंपटीशन uh, करें बी, बीट करें और होम रन होम रन भी आप लोग जानते होंगे जो क्रिकेट के प्लेयर्स हैं या जो शौकीन हैं उनको पता होगा कि जब कोई हिट करता है किसी बॉल को और बॉल काफ़ी दूर तक चली जाती है और उस बीच में जो जो रन्स बनाए जाते हैं इसको कहा जाता है होम रन बना ले ठीक उसी तरह से था इसके लिए रिचर्ड एब्राइट के लिए और उनके स्कूल मेट के लिए जिसने कि यह आर्टिकल लिख करके फर्स्ट टाइम किसी साइंटिफिक मैगजीन या जनरल में जनरल में मैगजीन में अपने आर्टिकल को छपवाना फॉर रिचर्ड एब्राइट रिचर्ड एब्राइट के लिए इट वॉज द फर्स्ट इन अ लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ अचीवमेंट्स इन साइंस एंड अदर फील्ड्स यह पहला अचीवमेंट था एक तरह से कहा जाए कि यह अचीवमेंट था एक उपलब्धि थी साइंस के फील्ड में और दूसरे फील्डों में एंड इट ऑल स्टार्टेड विद बटरफ्लाई और ये सारी कहानी कैसे स्टार्ट हुई थी एक बटरफ्लाई से स्टार्ट हुई थी मतलब तो तो ये सब जो है बटरफ्लाई की बटरफ्लाई के साथ ये पूरी स्टोरी जो है इनकी कि कैसे इन्होंने एक मैगजीन में अपने आर्टिकल को छुपवाए ये सारी कहानियाँ वहीं से लिंक होकर के जाती हैं एन ओनली चाइल्ड ए ब्राइट ग्रू अप नॉर्थ ऑफ रीडिंग इकलौते इकलौते बेटे थे ये एब्राइट जो थे वो अकेले बड़े हुए थे नॉर्थ ऑफ रीडिंग रीडिंग एक जगह का नाम है जो कहाँ पे है पेंसिलवानिया में है देर वॉज मच आई कुड डू देयर ही सेड वो कहते हैं कि अकेले होने के नाते जो एब्राइट थे वो अकेले ग्रो हुए बढ़े कहाँ पे रीडिंग जो कि पेंसिलवानिया नाम की जगह पे था इनके पास बहुत ज़्यादा कुछ करने के लिए नहीं था आई सर्टनली कुड नॉट प्ले फुटबॉल और बेसबॉल विद द टीम ऑफ वन संभवतः या निश्चित रूप से वो कभी भी फुटबॉल या बेसबॉल नहीं खेल सकते थे क्योंकि अ टीम ऑफ वन एक आदमी की टीम के साथ वो ये सारे गेम्स नहीं खेल सकते थे ये कौन कहता है ये ब्राइट बता रहे हैं अपने बारे में बट देयर वॉज वन थिंग आई कुड डू कलेक्ट थिंग्स लेकिन वहाँ पर एक चीज़ थी जो कि मैं कर सकता था और वो क्या थी कि चीज़ों को मैं इकट्ठा करूँ आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों के अंदर ये कलेक्शन का एक शौक होता है कुछ लोग स्टैम्प्स करते हैं कुछ लोग रॉक्स करते हैं कुछ पेबल्स करते हैं उसी तरह से एक शौक इनके अंदर भी था रिचार्ड एब्राइट के अंदर कि वो भी चीज़ों को इकट्ठा करते थे सो so हीडेड और ऐसा ही उन्होंने किया एंड डिड इट एवर और ऐसा हमेशा करते रहे वो बिगनिंग इन किंडर और ये कहानी इनकी कहाँ से शुरू थी बिगनिंग इन किंडर गार्डन जब वो कह सकते हैं तीन से पाँच साल या फिर दो से पाँच साल की उम्र का जो बीच का पीरियड होता है इसे किंडर की पीरियड में जा जाना जाता है तो ये कलेक्शन का काम उन्होंने उसी एज से शुरू कर दिया था एब्राइब कलेक्टेड बटरफ्लाइज विद द दे सेम डिटर्मिनेशन और एब्राइब ने बटरफ्लाइज का कलेक्शन स्टार्ट कर दिया उसी एक डिटर्मिनेशन के साथ दैट हैज़ मार्क्ड ऑल हिज एक्टिविटीज़ जैसे कि वो और दूसरी एक्टिविटीज़ को करते थे ठीक उसी इंटरेस्ट के साथ ये बटरफ्लाइज को भी कलेक्ट करना शुरू कर दिया ही ऑल्सो कलेक्टेड रॉक्स और उन्होंने क्या और क्या कलेक्ट किया साथ में रॉक्स को रॉक्स जानते होंगे आप लोग पहाड़ वहाड़ जो होते हैं उसके पत्थर के टुकड़े वगैरह जो होते हैं वो फसल्स फसल्स क्या होता है जो एनिमल्स के जो अवशेष होते हैं जो हड्डियाँ होती हैं या फिर जो भी चीज़ होती है इनको भी उन्होंने इकट्ठा करना शुरू किया एंड क्वाइंस और सिक्कों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया ये इनका कलेक्शन का जो पैशन था ये वो काम कर रहे हैं ही बिकेम एन ईगर एस्ट्रोनॉमर टू समाइम्स स्टार गेजिंग ऑल नाइट और वो एक एस्ट्रोनॉमर भी थे एस्ट्रोनॉमर मिस जो होता है जो आकाश के तारों की गणना करते थे क्योंकि कई बार ये पूरी पूरी रात जो है क्या करते थे तारों को देखते रहते थे आकाश में फ्रॉम द फर्स्ट ही हैड अ ड्राइविंग क्यूरसिटी अलॉन्ग विद अ ब्राइट माइंड फ्रॉम द फर्स्ट मीस स्टार्टिंग से ही पहले से ही उनके अंदर जो एक ड्राइविंग क्यूरसिटी थी मतलब एक उत्साह मतलब एक जिज्ञासा थी किसी उनके ब्राइट माइंड में मतलब ब्राये जो एब्राइट थे वो हमेशा कुछ ना कुछ इनके दिमाग में जो था उनके तेज़ दिमाग में चलता रहता था किसी न किसी चीज़ को जानने की इच्छा इनके अंदर जिज्ञासा बनी रहती थी ही ऑल्सो हैड अ मदर हु इनक्रेज हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग और उनकी जो मम्मी थी इनकी जो मदर थी वो भी इनको हमेशा इंकरेज करती रहती थी उत्साहित करती रहती थी कुछ चीज़ों को इनके इंटरेस्ट को जो लर्निंग जो सीखने की जो क्षमता थी उसमें इंटरेस्ट को डेवलप करने में उनकी मदर भी उनकी हेल्प करती रहती थी शी शिटुक हिम ऑन ट्रिप्स ये हमेशा उनको ट्रिप्स पे लेके जाती थी कहीं घूमने जाती थी लेके जाती थी वॉट हिम टेलीस्कोप इनके लिए टेलीस्कोप लेके आती थी माइस्को माइक्रोस्कोप्स लाती थी कैमराज लाती थी माउंटिंग मटेरियल्स लेके आती थी एंड अदर इक्विपमेंट और दूसरे इक्विपमेंट्स भी लेके आती थी जैसे टूल्स हुए औजार कह सकते हैं जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो लेके आती थी एंड हेल्प हिम इन मैनी अदर वेज और भी बहुत अलग अलग तरीके से एब्राइट की जो मदर थी उनकी हेल्प करती थी उनके लर्निंग में उनके इंटरेस्ट को डेवलप करने में आई वॉज हिज ओनली कंपेनियन अंटिल ही स्टार्टेड स्कूल हिज मदर सेट उनकी मदर ने बताया एब्राइट की कि मैं इकलौती कंपेनियन थी साथी थी जब अपनी स्ने, अपना स्कूल स्टार्ट किया किसने एब्राइट ने आफ्टर दैट आई वुड ब्रिंग होम फ्रेंड्स फॉर हिम और उसके बाद धीरे धीरे उनके दोस्तों को भी घर लेकर के आने लगी कौन एब्राइट की जो रिचर्ड एब्राइट अब, थे उनकी मदर बट एट नाइट वी जस्ट डिड थिंग्स टुगेदर लेकिन रात के समय ये मदर और जो रिचर्ड थे ये दोनों साथ साथ हर कार्य करते थे रिचि वाई होल लाइफ उनकी मदर बताती हैं कि रिची मिस जो रिचर्ड इब्राइट थे इब्राइट थे ये इनकी पूरी जिंदगी थे आफ्टर हिज फादर डाइट उनके पिता की मृत्यु के बाद वेन रिचि वॉज इन थर्ड ग्रेड जिसमें आ, इनकी फिद फादर की डेथ हुई थी उसमें जो रिचार्ड थे उनके वो जो थे क्लास थर्ड में पढ़ते थे शी एंड हर सन स्पेंड ऑलमोस्ट एवरी इवनिंग एट द डाइनिंग रूम टेबल शी मिस जो मदर थी और जो रिचर्ड एब्राइट थे ये दोनों लोग ऑलमोस्ट लगभग अपना पूरा शाम जो था डाइनिंग रूम के टेबल पे बिताते थे इफ ही डिड नॉट हैव थिंग्स टू डू अगर उनके पास कोई काम नहीं होता था करने के लिए आई फाउंड वर्क फॉर हिम नॉट फिजिकल वर्क बट लर्निंग थिंग्स हिज मदर सेट उनकी मदर बताती हैं जब इसके पास कोई काम नहीं होता था कि इसके पास रिचर्ड के पास तो वो उनके लिए काम ला करके देती थी फिजिकल वर्क नहीं होता था वो वो लर्निंग की थिंग्स होती थी ऐसा उनकी माँ ने बताया ही लाइक डिट और वह उनको वह इन कामों को पसंद करते थे ही वॉन्टेड टू लर्न वह सीखना चाहते थे एंड लर्न ही डिड और जो भी था वो सीखा उन्होंने ही अर्नड टॉप ग्रेड्स इन स्कूल और इन्होंने स्कूल में जो था टॉप ग्रेड्स को पास किया ऑन एवरी डे थिंग्स ही वॉज जस्ट लाइक एवरी अदर किड हिज मदर सेट मतलब आम दिनों में वो आम बच्चों की तरह होते थे जैसे उनकी माँ ने बताया था बट वो हमेशा अपनी क्लास में टॉप करते थे बाई द टाइम ही वॉज इन द सेकेंड ग्रेड जब वो सेकेंड ग्रेड में थे इब्राइट हैड कलेक्टेड ऑल ट्वेंटी फाइव स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाई फाउंड अराउंड हिज हम होम टाउन और जब ये क्लास टू में थे तो रिचर्ड एब्राइट जो थे एब्राइट जो थे इन्होंने ट्वेंटी फाइव स्पेसिस मतलब ट्वेंटी फाइव प्रजातियाँ जो हैं बटरफ्लाई की उसको अपने होम टाउन पे जिस एरिया में रहते थे वहां से उन्होंने कलेक्ट किया आप नीचे देख सकते हैं उसकी पूरी लिस्ट बनी हुई है फिर दैट प्रोबेबली वुड हैव बीन द एंड ऑफ माई बटरफ्लाई कलेक्टिंग ही सेट वो कहते हैं कौन रिचर्ड एब्राइट कहते हैं कि संभवतः वह अंत हो गया होता मेरे बटरफ्लाई कलेक्शन का बट देन माई मदर गॉड मी अ चिल्ड्रन्स बुक कॉल्ड द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स तभी मेरी ने लेकिन उस समय मेरी ने एक बच्चों की जो बुक थी जिसका नाम था द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स वो ला करके मुझे दिया दैट बुक विच टोल्ड हाउ मोनार्क बटरफ्लाइज़ वो बुक जिसने कि मुझे बताया कि कैसे मोनार्क बटरफ्लाइज़ माइग्रेट टू सेंट्रल अमेरिका कैसे सेंट्रल अमेरिका से वो माइग्रेट की माइग्रेट करने को थे? एक जगह से दूसरी जगह पे जाना ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू द ईगर यंग कलेक्टर कैसे इसने एक यंग कलेक्टर के लिए बटरफ्लाई कलेक्टर के लिए एक कैसे एक संसार खोल दिया था ये किसने बताया उस बुक के थ्रू एक नया दुनिया जो था बटरफ्लाई के क्षेत्र में एब्राइट के सामने आ गया एक यंग कलेक्टर के सामने आ गया एट द एंड ऑफ द बुक बुक के अंत में रीडर्स वर इन्वाइटेड टू हेल्प स्टडी बटरफ्लाई माइग्रेशन उसमें लास्ट में बुक में एक दिया हुआ था जब ने देखा होगा बहुत सारे बुक्स के लास्ट में एक फॉर्म बना रहता है ठीक उसमें था जो कि इन्वाइट करता था बटरफ्लाई माइग्रेशन के बारे में और जानने के लिए दे वर आज टू टैग बटरफ्लाई और उसमें क्या इंस्ट्रक्शन दिया हुआ था कि वो बटरफ्लाई को टैग करें टैग करने का मतलब होता है जिस भी बटरफ्लाई को पकड़ें उसमें उसकी डेट बटरफ्लाई को पकड़ने का डेट और कुछ डिटेल्स जो है उसको उसमें एक टैग कर दें एक स्टिकर टाइप का होता है उसी बटरफ्लाई पर चिपका करके उसको छोड़ दें फॉर रिसर्च बाई डॉक्टर फेडरिक एर्काहट ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो कनाडा ये जो डॉक्टर फेडरिक एर्कहाट जो थे जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो कनाडा में है वहाँ के एक रिसर्च कर रहे थे उन्होंने ऐसा टैग करने के लिए बटरफ्लाईज को उस बुक में इंस्ट्रक्शन दिया एब्राइट्स मदर रोट टू डॉक्टर उर्काहट एंड सून एब्राइट वॉज अटैचिंग लाइट एडिसिव सॉरी एडिसिव टैक्स टू द विंग्स ऑफ मोनार्क और डॉक्टर एब्राइट uh, so की जो मदर थी उन्होंने डॉक्टर उर्काहट को लिखा और अटैच करके जैसा कि कहा था चिपकाने वाली जो चीज़ें होती है उसके मुनार्क विंग्स मुनार्क बटरफ्लाई के विंग्स पे चिपका करके टैग करना शुरू कर दिया एनी वन हु फाउंड अ टैग्ड बटरफ्लाई वॉज़ आस्ट टू सेंड द टैग टू डॉक्टर और कहा और उस पर ये लिखा था जो टैग करके जो चिपकाते थे, थे उस पर लिख देते थे जिसको भी ये बटरफ्लाई मिलेगी वो सेंड कर देगा का कहाँ उस टैग के साथ डॉक्टर और कहा को ये उस टैग करके उसमें जो एक छोटा सा स्लिप बनाकर डाला जाता था उसमें ये ऐसा उनकी मदर जो थी डॉक्टर किसकी एब्राइट की वो हेल्प करती थी अपने बेटे की द बटरफ्लाई कलेक्टिंग सीजन अराउंड रीडिंग लास्ट सिक्स वीक्स इन द लेट समर नाइट अब बताते हैं रीडिंग जिस प्लेस में डॉक्टर रिचार्ड एब्राइट रहते थे तो वहाँ पे बटरफ्लाई के कलेक्शन का जो सीजन था वो क्या होता था गर्मियों के जो लास्ट के छः सप्ताह होते थे उसे माना जाता था आप इसे नीचे जो ग्राफ बना है उसमें देख सकते हैं इफ़ यू आर गोइंग टू चेज दैम वन बाई वन अगर आप उसको चेस करें उसका पीछा करेंगे एक एक करके बटरफ्लाई के यू वॉन्ट कैच वेरी मैनी तो आप बहुत ज़्यादा बटरफ्लाईज को नहीं पकड़ पाएंगे सो द नेक्स्ट स्टेप फॉर एब्राइट वॉज टू रेस अ फॉक ऑफ बटरफ्लाईज तो जो दूसरा स्टेप था जो अगला स्टेप था एबराइट के लिए वो क्या था कि अपने इस बटरफ्लाई के झुंड को इस बटरफ्लाई के कलेक्शन को और बड़ा करें उसको बढ़ाएँ ही वुड कैच अ फीमेल मुनार्क अब वो क्या करते थे जो फीने फीमेल मुनार्क होती थी जो बटरफ्लाई होती थी उसको पकड़ते थे टेक हर एक्स उसके एक्स को लेते थे एंड रेज देम इन हिज बेसमेंट थ्रू देअर लाइफ साइकिल और फिर उसको बढ़ाते थे उसको बड़ा करते थे अपने बेसमेंट में घर के बेसमेंट में उसके पूरे लाइफ साइकिल को उसके पूरे जीवन चक्र को देखते थे फ्रॉम एग जो कि एक एक्स स्टार्ट होता था फिर कैटर पिलर में कन्वर्ट होता था देन पुपा में होता था और उसके बाद जाकर के वो एक एडल्ट बटरफ्लाई बनता था देन ही वुड टैग द बटरफ्लाईज विंग्स एंड लेट देम गो और उसके बाद ये जो एब्राइट थे उसको टैग करते थे उसके विंग्स को और उसको फिर उड़ा देते थे फॉर सेवरल ईयर्स हिज बेसमेंट वॉज होम टू थाउजेंड्स ऑफ मोनार्क्स इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट और कई सालों तक सेवरल ईयर्स तक मतलब कई सालों तक जो उनका बेसमेंट था रिचर्ड एब्राइट का वो क्या रहा होम रहा घर रहा किसका थाउजेंड्स ऑफ मोनार्क्स के लिए मोनार्क्स जो बटरफ्लाइज थी उनका घर रहा जिसमें हजारों मोनार्क बटरफ्लाइज थी जो कि डिफरेंट डिफरेंट स्टेज पे वहाँ पे थी जैसे कि आज किसी का बटरफ्लाई का एग है तो कोई उससे थोड़े से बड़े वाली कंडीशन में रहेगा कोई उससे बड़ी कंडीशन में रहेगा कोई पोपा में रहेगा कोई कैटरपिलर में रहेगा कोई एडल्ट बटरफ्लाई रहेगा तो इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस के जो बटरफ्लाइज थे वो उनके यहाँ उनके बेसमेंट में थे इवेंचुअली आई बिगिन टू लूज इंटरेस्ट इन टैगिंग बटरफ्लाईज और फाइनली एब्राइट uh, कहते हैं कि उनका जो इंटरेस्ट था इवेंचुअली मतलब जो उनका जो इंटरेस्ट uh, था वो अंततः जो था टैगिंग वो धीरे धीरे कम होने लगा इट्स टीडियस क्योंकि वो बहुत टीडियस था टीडियस मतलब बहुत ही झेलाऊ था थकाउ था थकाने वाला था एंड देर इज नॉट मच फीडबैक एबराइट सेट इब्राइट ने बताया और इसका बहुत कुछ फीडबैक भी नहीं मिलता था इन ऑल द टाइम आई डेड इट फिर कहते हैं पूरे समय में जितना इन्होंने किया ही लाव वो हंसते हैं और कहते हैं ओनली टू बटरफ्लाइज़ आई हैड टैग्ड वर रिकैप्चर्ड मतलब बता ये बताते हैं कि जितने भी बटरफ्लाइज़ को इन्होंने टैग किया था उन्होंने बहुत सारे आप देख सकते हैं कि इससे पहले पैराग्राफ में इन्होंने बताया कि थाउजेंड्स ऑफ मोनार्क्स थे तो न जाने कितने थाउजेंड मोनार्क्स को तो इन्होंने टैग किया लेकिन ये हंसते हैं और कहते हैं कि उन सभी टैग किए हुए बटरफ्लाइज़ में से केवल दो ही आई है केवल दो बटरफ्लाई ऐसे थी जिसको कि उन्होंने रिकेप्चर्ड किया दोबारा पकड़ा एंड वर नॉट मोर देन सेवेंटी फाइव माइल्स फ्रॉम वेयर आई लिव्ड और उसके बाद वो कहते हैं कि वो दोनों जो बटरफ्लाइज थी ऐसा भी नहीं था कि बहुत दूर तक उन्होंने डिस्टेंस कवर किया हो वो केवल सेवेंटी फाइव फाइव माइल्स जो थी मील थी वो जहाँ पे रहते थे डॉक्टर सॉरी नॉट डॉक्टर रिचर्ड एब्रेड जो थे जहाँ रहते थे वहां से उन्होंने डिस्टेंस कवर किया था फिर बोलते हैं देन इन द सेवेंथ ग्रेड ही गॉट अ हिंट ऑफ वॉट रियल साइंस इज जब ये सेवेंथ ग्रेड में पहुंचे सेवेंथ क्लास में पहुंचे तो उनको हिंट मिला कि रियल साइंस जो होता है जो आ, क्या होता है वेन ही इंटर्ड अ काउंटी साइंस फेयर काउंटी मीन्स होता है किसी एक रीजन में कोई कंपटीशन हो जैसा आज हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल के होते हैं स्टेट लेवल के होते हैं नेशनल लेवल के होते हैं तो काउंटी लेवल में किसी एक रीजन में जब साइंटिफिक फेयर लगता है मेला रखता है तो बताते हैं ये उसमें जब एंटर किया उन्होंने एंड लॉस्ट और जब उसमें खो गए मतलब इन्हें कोई प्राइज़ नहीं मिला इट वॉज़ रियली अ सैड फीलिंग टू सेट देयर एंड नॉट गेट एनी और इनके लिए बहुत ही सैड बहुत ही दुखदाई फीलिंग थी ये कि वहाँ पे उनको कुछ भी नहीं मिला नॉट गेट एनी थिंग While everybody else had won something, वहाँ पे और लोगों ने जिन्होंने में पार्टिसिपेट किया था उस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया था कुछ न कुछ मिला एंट्री was स्लाइड्स ऑफ frog tissues. उनकी जो एंट्री थी जो उन्होंने प्रवेश किया था वहाँ पे उन्होंने एग्जिबिट क्या किया था फ्रॉग के टिश्यूज को दिखाया था विच ही शोड अंडर अ माइक्रोस्कोप जो कि उन्होंने एक माइक्रोस्कोप के द्वारा फ्रॉग के जो टिश्यूज है उसको शो किया था उसके लेयर्स को बताया था ही रियलाइज द विनर्स हैड ट्राइड टू डू रियल एक्सपेरिमेंट नॉट सिंपली मेक अ नीट डिस्प्ले अब उनको ये रियलाइज हुआ वह इनको महसूस हुआ कि विन करने के लिए रियल एक्सपेरिमेंट्स होने वास्तव में जो एक्सपेरिमेंट होता है वो होना चाहिए ना कि सिंपली मेक अ नीट डिस्प्ले ना कि किसी चीज़ को लेकर के सिर्फ साधा सा मतलब सिंपल uh, वे में उसको डिस्प्ले करना प्रदर्शित कर देना या दिखा देना होता है ऑलरेडी द कंपिटेटिव स्पिरिट दैट ड्राइव्स रिचार्ड एब्राइट ब्राइट वॉज अपियरिंग अब रिचार्ड के सामने जो है ऑलरेडी मतलब उनके सामने पहले से ही तय हो गया था कंपिटेटिव स्पिरिट था जो कि किसके अंदर था रिचार्ट को आगे बढ़ाने की जो स्पिरिट थी जो जोश था या फिर कह सकते जो प्रतिभा थी वॉज़ अपेयरिंग अब उनको समझ में आ रही थी दर्श प्रदर्शित हो रही थी आई न्यू दैट फॉर द नेक्स्ट ईयर्स फेयर और वो उन समझ गए थे कि नेक्स्ट फेयर में आई वुड हैव टू डू अर रियल एक्सपेरिमेंट ही सेट उन्होंने कहा कि वो समझ चुके थे कि अब नेक्स्ट ईयर जो फेयर लगेगा उसमें उनको रियल एक्सपेरिमेंट करना है द सब्जेक्ट आई न्यू मोस्ट अबाउट वॉज द इंसेक्ट वर्क आई हैड बीन डूइंग इन द पास्ट सेवरल ईयर्स फिर वो बताते हैं एबराइट की जो सब्जेक्ट था जो विषय था जिसके बारे में वो कर सकते थे वो केवल इंसेक्ट था जिसके बारे में वो पिछले कई सालों से उसके बारे में वर्क कर रहे थे आपने देखा हमने पहले भी बताया है कि वो बटरफ्लाइज़ के ऊपर वर्क कर रहे थे काफ़ी लंबे समय से तो इनके पास एक इंसेक्ट का एक प्रपोजल था जिसके बारे में या फिर कैसे एक इंसेक्ट था जिसके बारे में आगे चल के और ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स कर सकते थे तो इन्होंने इसी को चूज़ किया सो ही रोड टू डॉक्टर और कहार्ट फॉर आइडियाज इसलिए उन्होंने डॉक्टर और कहार्ट जो थे जो कि बटरफ्लाईज़ को टैग करने का सजेशन दिया था उनसे आइडियाज़ मांगा एंड बैक केम अ स्टेक ऑफ सजेशंस फॉर एक्सपेरिमेंट्स और जो सजेशंस उनसे मिलते थे उस पर उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिया दो स्केप्ट एब्राइट बिजी ऑल थ्रू हाई स्कूल एंड लेड टू प्राइज प्रोजेक्ट्स इन कंट्री एंड इंटरनेशनल सॉरी काउंटी एंड इंटरनेशनल साइंस फेयर और इस एक्सपेरिमेंट ने इनको लगातार बिज़ी रखा व्यस्त रखा इनके हाई स्कूल में और इनको लेड किया लेड किया मीन्स उनको दिलाया प्राइज़ जो कि काउंटी लेवल और इंटरनेशनल काउंटी लेवल का जो साइंस फेयर हुआ था जो एग्जीबिशन हुआ था उसमें इनको प्राइज़ भी दिलवाया फॉर हिज एट्थ ग्रेड प्रोजेक्ट जब वो एर्ट्थ ग्रेड में पहुंचे मतलब क्लास एट्थ में जब पहुंचे उस प्रोजेक्ट में एबराइट ट्राइड टू फाइंड द कॉज ऑफ वायरल डिजीज़ दैट किल्स नियरली ऑल मोनार्क कैटरपिलर्स एवरी फ्यू ईयर्स तो जो एबराइट थे उन्होंने कोशिश किया उन्होंने ट्राई किया फाइंड आउट करने का यह पता लगाने का एक वायरल डिजीज़ जो कि लगभग हर कुछ सालों के बाद सारे मोनार्क कैटरपिलर्स को मार देती है उसमें डिजीज़ फैला देती है एवराइट थाट द डिज़ीज माइट बी कैरिड बाई अ बिटल इब्राइट ऐसा सोचते थे कि ये जो डिजीज़ उनके अंदर आती है ये एक बिटल जो इंसेक्ट होता है उसके थ्रू आती है उसके द्वारा लाई जाती है ही ट्राइड रेजिंग कैटरपिलर्स इन द प्रेजेंस ऑफ बिटल्स तो उन्होंने अब क्या किया बिटल्स जो इंसेक्ट थी ये एक फ्लाइंग इंसेक्ट होता है आपने देखा होगा उसके प्रेजेंस में कैटरपिलर्स को जो है रेस करना शुरू कर दिया उनको बढ़ाना शुरू कर दिया आई डिडेंट गेट एनी रियल रिजल्ट ही सेट और उन्होंने बताया कि मुझे इसका कोई सचमुच का या फिर एक ऐसा कुछ रिजल्ट नहीं मिला एब्राइट को बट आई वेंट आई लेकिन मैं आगे बढ़ता गया एंड शोड दैट आई हैड ट्राइड द एक्सपेरिमेंट और मैंने ये शो किया मैंने ये बताया कि मैंने कुछ एक्सपेरिमेंट किया है मैंने कुछ शोध किया है दिस टाइम आई वॉन और इस बार मुझे वॉन किया मतलब मैं जीता द नेक्स्ट ईयर द नेक्स्ट ईयर हिज साइंस फेयर प्रोजेक्ट वॉज टेस्टिंग द थेरी दैट वाइसराय बटरफ्लाईज कॉपी मोनार्क्स जब नेक्स्ट ईयर जो साइंस फेयर था उसका जो इनका प्रोजेक्ट था वो क्या था टेस्ट करना था कि वाइसराय जो बटरफ्लाई होती है वो मोनार्क बटरफ्लाई को कॉपी करती है द थेरी वॉज दैट वाइसरायज लुक लाइक मोनार्क्स बिकॉज मोनार्क्स डोंट टेस्ट गुड टू बर्ड्स फिर क्या थी थेरी उसकी ये थी कि वाइसराय जो बटरफ्लाईज होती हैं बिल्कुल मोनार्क्स की तरह रखती हैं क्योंकि मोनार्क डोंट टेस्ट गुड टू बर्ड्स और जो मोनार्क बटरफ्लाई होती हैं वो बर्ड्स को टेस्टी नहीं लगती हैं वॉइसरोस ऑन द अदर हैंड और दूसरी तरफ जो रॉय बटरफ्लाई होती हैं डू टेस्ट गुड टू बटर बर्ड्स वो बर्ड्स को टेस्टी लगती हैं सो द मोर दे लुक लाइक मोनार्क्स द लेस लाइकली दे आर टू बिकम अ बर्ड्स डिनर क्योंकि वो ज़्यादातर देखने में किसकी तरह लगती थी मोनार्क बटरफ्लाई की तरह लगती थी इसलिए अब वो बर्ड्स का डिनर बहुत कम बनती थी यहाँ पे कहने का मतलब है कि जो मोनार्क बटरफ्लाइज होती थी वो टेस्ट में खराब होती थी लेकिन वॉयसराय जो देखने में मुनार की तरह लगती थी वो स्वाद में अच्छा लगती थी बर्ड्स को तो बर्ड्स जो थे जो वॉयस रॉय हैं उनको मोनार्क समझ करके नहीं खाती थी अब आगे इब्राइट कहते हैं बताते हैं यहाँ पे एवराइट प्रोजेक्ट इवराइट्स प्रोजेक्ट वॉज टू सी वेदर इनफेक्ट बर्ड्स वुड ईट मुनार्क्स अब इवराइट का जो प्रोजेक्ट था वो ये देखना था कि क्या जो बर्ड्स हैं वो मुनार्क्स को खाती हैं ही फाउंड दैट अ स्टारलिंग वुड नॉट ईट ऑर्डनरी बर्ड फूड स्टारलिंग एक यूरोपियन बर्ड होती है तो उन्होंने पाया कि वो जो ऑर्डनरी बर्ड के जो फूड्स होते हैं उसको नहीं खाती है इट वुड ईट ऑल द मोनार्स इट कुड गेट बल्कि वो जितने भी मुनार्क इसको मिलेंगे उन सबको वो खा जाती थी इबराइट सेट लेटर रिसर्च बाई अदर पीपल शोड दैट वॉइसराय इज़ प्रोबेबली डू कॉपी द मनार्क और बाद में इब्राइट ने यह भी रिसर्च किया कि जो वॉयस रॉय हैं वो प्रोबेबली संभवतः मुनार्क को पूरी तरह से कॉपी करती हैं दिस प्रोजेक्ट वॉज प्लेस्ड फर्स्ट इन जूलॉजी डिविजन एंड थर्ड ओवरऑल इन द काउंटी साइंस फेयर ये जो इनका प्रोजेक्ट था इसको फर्स्ट प्राइज मिला था जूलॉजी के क्षेत्र में जूलॉजी दि, मतलब डिविजन में जूलॉजी वहाँ पर साइंस में बहुत डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज थी तो जूलॉजी के क्षेत्र में इसको फर्स्ट मिला था और पूरे साइंस फेयर में इसको थर्ड पोजिशन uh, मिला था एब्राइट के इस रिसर्च को इन हिज सेकेंड ई ईयर इन हाई स्कूल रिचार्ड इब्राइट बिगेन द रिसर्च रिचार्ड रिचार्ड इब्राइट जो थे उन्होंने अपने हाई स्कूल के सेकेंड ईयर में क्या शुरू कर दिया रिसर्च शुरू किया दैट लेड टू हिज डिस्कवरी ऑफ एन अनोन इंसेक्ट हॉर्मोन किस चीज़ की डिस्कवरी थी खोज करने लगे थे एक अनोन इंसेक्ट हारमोन को जानने के लिए इनडायरेक्टली इट ऑल्सो लेड टू हिज न्यू थेरी ऑन द लाइफ ऑफ सज और इनडायरेक्टली uh, अगर कहा जाए तो ये इनको एक नई थियोरी बता रही थी किसकी लाइफ ऑफ सेल्स के बारे में ये बताने जा रहे थे उसकी खोज कर रहे थे द क्वेश्चन ही ट्राइड टू आंसर वॉ सिंपल जो क्वेश्चन था उसका वो सिंपल आंसर हो सकता वॉट इज द पर्पज ऑफ द ट्वेल्व टिनी गोल्ड स्पॉट्स ऑन अ मोनार्क पोपा मोनार्क पोपा जो होता है मोनार्क बटरफ्लाई का जो जो पोपा होता है उस पर ट्वेल्व गोल्ड स्पॉट्स होते हैं जो ट्वेल्व सुनेले रंग के स्पॉट्स बने होते हैं उसका क्या पर्पस है एवरी वन एज्यूम द स्पॉट्स वर जस्ट ऑर्नामेंटल एब्राइट सेड इब्राइट बताते हैं कि सबने यही गेस किया था यही एज्यूम किया था कि ये जो स्पॉट्स हैं गोल्डन कलर के वो एज अ डेकोरेटिव एज अ ऑर्नामेंटल हैं बट डॉक्टर अक्राहट डे बिलीव इट लेकिन डॉक्टर अरकहाट जो थे उन्होंने इसके बारे में विश्वास नहीं किया इस बात पे कि वो केवल शोकेस uh, हैं केवल ऑर्नामेंटल हैं टू फाइंड द आंसर इब्राइट एंड अदर एक्सलेंट साइंस स्टूडेंट्स फर्स्ट हैड टू बिल्ड अ डिवाइस इसका आंसर पाने के लिए इब्राइट को और कुछ और जो एक्सीलेंट साइंस स्टूडेंट्स थे उन्हों को पहले बिल्ड करना था बनाना था एक डिवाइस एक मशीन दैट शोड जो कि दिखाती दिखाती थी द स्पॉट्स वर प्रोड्यूसिंग अर्मोन नेसेसरी फॉर द बटरफ्लाइज फुल डेवलपमेंट जो कि यह दिखाती थी कि ये जो स्पॉट्स थे वो वो हार्मोन थे जो बटरफ्लाइज के फुल डेवलपमेंट के लिए बहुत ही जरूरी थे आवश्यक थे दिस प्रोजेक्ट वन इब्राइट फर्स्ट प्लेस इन द काउंटी फेयर और इस प्रोजेक्ट ने इबराइट को फर्स्ट प्लेस दिलवाया काउंटी फेयर में उस रीजन के फेयर में एंड एंट्री इन द इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर और इसके बाद उनको एंट्री मिली किसमें इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर में देयर ही वॉन थर्ड प्लेस फॉर जूलॉजी और वहां पे इनको जो था वो थर्ड प्लेस मिला था उनको जूलॉजी के फील्ड में ही ऑल्सो गॉट अ चांस टू वर्क ड्यूरिंग द समर एट द एटीमोलॉजी लेबोरेटरी ऑफ द वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च फिर बताते हैं कि वहाँ पे ही ऑल्सो गॉट अ चांस इनको यहाँ पे एक मौका मिला था कहाँ पे वर्क करने के लिए गर्मियों में इटीमोलॉजी एटीमोलॉजी होता है जहाँ पे इंसेक्ट्स जो होते हैं इंसेक्ट से रिलेटेड जो साइंस की जो रीडिंग की जाती है स्टडीज़ की जाती है उस लेबोरेटरी में काम करने के लिए जो कि वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च के नाम से थी एज़ अ हाई स्कूल जूनियर सॉरी एज़ अ हाई स्कूल जूनियर रिचर्ड इब्राइट कंटिन्यूड हिज एडवांस्ड एक्सपेरिमेंट्स ऑन द मुनार्क पूपा हाई स्कूल जूनियर में जाकर, जा कर जाने जा कर के मतलब क्लास नाइन्थ आप कह सकते हैं वहाँ पे इबराइट जो थे वो कंटिन्यू करते हैं वहाँ पे लगातार करते रहते हैं अपने एडवांस एक्सपेरिमेंट्स को पत, प्राप्त करने की या पता करने की जो कि मुनार्क पूपा पे कर रही थी जो रिसर्च इनका चल रहा था उसके बारे में कंटिन्यू करते रहते हैं दैट ईयर हिज प्रोजेक्ट वन फर्स्ट प्लेस एट द इंटरनेशनल साइंस फेयर उस साल उनका ये जो प्रोजेक्ट था इसने फर्स्ट प्राइज इंटरनेशनल फेयर में पाया एंड गिव हिम अनदर चांस टू वर्क इन द आर्मी लेबोरेटरी ड्यूरिंग द समर और इनको एक और मौका मिला उसी आर्मी लेबोरेट्री में ड्यूरिंग समर में काम करने के लिए इन हीज सीनियर ईयर ही वेंट अ स्टेप फर्दर और जब वो अपने सीनियर ईयर में गए जब वो अपने आगे की क्लासेस uh, में गए तो वो आगे उन्होंने अपना कदम बढ़ाया ही ग्रू सेल्स फ्रॉम अ मोनार्क्स विंग इन अ कल्चर उन्होंने क्या किया अब ग्रू किया सेल्स को डेवलप किया सेल्स को बढ़ाया मोनार्क के विंग्स में इन अ कल्चर कल्चर होता है एक लेबोरेटरी जहाँ पे सेल्स की ग्रोथ को देखा जा सकता है ठीक है तो उन्होंने उस लेबोरेटरी में मुनार्क के विंग्स को ग्रोथ किया उनकी उसकी सेल्स को डेवलप किया एंड शोड और दिखाया दैट द सेल्स वुड डिवाइड एंड डेवलप इंटू नॉर्मल बटरफ्लाई विंग्स स्केल्स ओनली इफ दे वर फेड द हॉर्मोन फ्राम द गोल्ड स्पॉट और उन्होंने ये दिखाया कि कोई भी सेल्स जो है बटरफ्लाई के जो विंग्स हैं उसमें डेवलप कर सकती है अगर उसको हॉर्मोन मिले कहाँ से उसके गोल्ड स्पॉट से अगर उसको हॉर्मोन दिया जाए तो बटरफ्लाई के जो विंग्स हैं उसकी स्केल्स को डेवलप किया जा सकता है दैट प्रोजेक्ट वन फर्स्ट प्लेस फॉर जूलॉजी एट द इंटरनेशनल फेयर और इस प्रोजेक्ट ने इनको फर्स्ट पोजिशन दिलाया इंटरनेशनल फेयर के जूलॉजी फील्ड में ही स्पेंट द समर आफ्टर ग्रेजुएशन उन्होंने ग्रेजुएशन के बाद जो समर जो था उसको स्पेंड किया वहाँ पर बिताया डूइंग फर्दर वर्क एट द आर्मी लेबोरेट्री अपने और कामों को आगे बढ़ाया कहाँ पर उसी आर्मी लेबोरेट्री में एंड एट द लेबोरेट्री ऑफ द यू एस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर और कहाँ से मैं बिताया यूएस डिपार्टमेंट का जो एग्रीकल्चर का जो लेबोरेटरी था वहां पर अपने समय को अपनी गर्मियों को उन्होंने वहां पर स्पेंड किया द फॉलोइंग समर द फॉलोइंग समर जो नेक्स्ट समर था जो आने वाला समय था आफ्टर हिज फ्रेशमैन ईयर फ्रेशमैन ईयर होता है कि जो फर्स्ट होता है वो फ्रेशमैन ईयर होता है तो कहते हैं आफ्टर हिज फ्रेशमेंट ईयर मतलब सेकेंड ईयर में आपने देखा होगा ग्रेजुएशन थ्री ईयर्स का होता है तो बता रहे सेकेंड ईयर में एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी एबराइट कहाँ पे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के सेकेंड ईयर में जब वो थे वहाँ पे एब्राइट वेंट बैक टू द लेबोरेटरी ऑफ द डेवलपमेंट एंड एग्रीकल्चर एबराइट जो थे वो दोबारा गए कहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की लेबोरेटरी में एंड डिड मोर वर्क ऑन द हॉर्मोन और वहाँ पे उन्होंने जाकर के हार्मोन पे और ज़्यादा शोध किया और ज़्यादा कार्य किया फ्रॉम द गोल्ड स्पॉट्स गोल्ड स्पॉट्स के हेल्प से जैसे कि उन्होंने बताया था कि गोल्ड स्पॉट्स जो हैं अगर उसके थ्रू हम हॉर्मोन दें तो विंग्स को और ज़्यादा रेस किया जा सकता है यूजिंग द लेबोरेटरी सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स और वहाँ पर जाकर के उन्होंने लेबोरेटरी के जो सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स थे सोफेस्टिकेटेड मीन्स जो कॉम्प्लिकेटेड और एडवांस जो इंस्ट्रूमेंट थे जो उनकी हेल्प करते इन चीज़ों को पता करने में उसको यूज़ किया ही वॉज एबल टू आइडेंटिफाई द हॉर्मोन्स केमिकल स्ट्रक्चर और उसके बाद उन्होंने वहाँ पे हॉर्मोन का जो केमिकल स्ट्रक्चर था उसको आइडेंटिफाई किया उसको जाना और पहचाना अ ईयर एंड अ हाफ लेटर लगभग एक साल डेढ़ साल बाद ड्यूरिंग दिस इज जूनियर ईयर उनके जूनियर ईयर में एब्राइट गॉट द आइडिया फॉर हिज न्यू थेरी अबाउट सेल लाइफ एब्राइट को एक आइडिया मिला एक सोच मिली एक तरीका मिला यह जानने के लिए कि उनकी जो न्यू थेरी है सेल्स के लाइफ के बारे में उनको एक नया आइडिया मिला एक नया स्रोत मिला इट केम वाइल ही वॉज लुकिंग एट एक्सरे फोटोज और ये कब मिला जब वो एक्सरे की जो फोटोज थी उसको देख रहे थे ऑफ द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ अर्मोन जो हॉर्मोन की जो उन्होंने एक्सरे लिए हुए थे उसके स्ट्रक्चर को जब वो देख रहे थे फोटोज को जब देख रहे थे तो उन्हें एक और नया तरीका एक और नया आइडिया केमिकल स्ट्रक्चर के बारे में मिला वेन ही वॉज वेन ही सॉ दोज फोटोज जब वो उस फोटो को देखा उन्होंने एवराइट डिडेंट्स शाउट यूरेका तो एवराइट जो थे उन्होंने शाउट नहीं किया यूरेका मीन्स अ काइंड ऑफ विक्ट्री आप देख सकते हैं इसमें दिया भी हुआ है कि जब हम कोई चीज़ हासिल कर लेते हैं, वो बहुत खुश होकर के एक्साइटेड होकर चिल्लाया नहीं उन्होंने उन्होंने शाउट नहीं किया और इवन आई हैव गॉट इट और ना ही उन्होंने ये कहा कि आई हैव गॉट इट बट ही बिलीव दैट अमंग सॉरी अलॉन्ग विद हिज फाइंडिंग्स अबाउट इंसेक्ट्स हॉर्मोन्स द फोटोज गेव हिम द आंसर टू वन ऑफ बायोलॉजीज पजल्स बल्कि उन्होंने उनको ये विश्वास हो गया कि अमंग विद हिज फाइंडिंग्स कि उन्होंने जितनी भी खोज की है इंसेक्ट्स के हॉर्मोन्स के बारे में ये जो फोटोज हैं उसने आंसर दे दिया था बायोलॉजी के क्षेत्र की एक पहेली को एक पजल को एक क्वेश्चन को हाउ द सेल कैन रीड द ब्लू प्रिंट ऑफ इट्स डी एन ए कि हम किसी की सेल को कैसे पढ़ सकते हैं उस किसी भी ब्लू प्रिंट ऑफ इट्स डी एन ए मतलब उसका जो ब्लू प्रिंट होता है डी एन ए का उसको हम कैसे रीड कर सकते हैं डी एन ए एक तरह से ब्लूप्रिंट होता है जब किसी चीज़ के बारे में उसकी क्या प्रवृत्ति है उसका क्या करेक्टरिस्टिक्स है डीएनए से हम ये पता लगा सकते हैं कि इसके अंदर जो क्वालिटीज़ हैं वो कहाँ से आए हैं किस चीज़ से मिलते हैं तो डीएनए इज़ द सब्सटेंस डीएनए एक ऐसा पदार्थ होता है इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल सेल के न्यूक्लियस में अंतर में एंड कंट्रोल्स हेरिडिटी जो कि वंशानुगत क्वालिटीज़ को कंट्रोल करता है इट डिटरमाइंस द फॉर्म एंड फंक्शन ऑफ द सेल ये डिटरमाइन करता है ये निश्चित करता है कि जो सेल का फंक्शन है जो फॉर्म है वो कैसा है दस डी एन एज द ब्लू प्रिंट ऑफ लाइफ और इस तरह से उन्होंने बताया कि जो डी एन ए होता है वो एक लाइफ का ब्लू प्रिंट होता है ब्लू प्रिंट होता मतलब कि एक डी एन ए से हमें पता चल सकता है कि इसके अंदर कौन सी क्वालिटीज़ हैं इब्राइट एंड हिज कॉलेज रूम मेट एबराइट और उनका जो कॉलेज रूममेट था जेम्स आर वोंग जेम्स जिसका नाम क्या था कॉलेज रूममेट का जेम्स आर वोंग वर्कड ऑल दैट नाइट ड्राॅइंग पिक्चर्स पूरी रात उन्होंने पिक्चर्स बनाने में लगा दिए एंड कंस्ट्रक्टिंग और बनाते रहे प्लास्टिक मॉडल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स और प्लास्टिक के मॉडल्स बनाते रहे मॉलिक्यूल्स के टू शो हाउ इट कुड हैपन कि ये कैसे होता है मतलब जो उन्होंने सर्च किया था उसकी ये लोग ड्राइंग्स बना रहे थे और मॉडल्स बना रहे थे टुगेदर दे लेटर रोट द पेपर दैट एक्सप्लेन द थियोरी और एक साथ बैठ करके फिर इन दोनों ने इब्राइट ने और उनका जो रूममेट था जेम्स आर वोंग ने मिल करके पूरा थियोरी को एक्सप्लेन किया सरप्राइजिंग नो वन हु न्यू हिम रिचर्ड इब्राइट ग्रेजुएटेड फ्रॉम हार्वर्ड विद हाइएस्ट ऑनर्स और इसमें कोई सरप्राइज की बात नहीं थी सरप्राइज नो वन हु न्यू जो लोग सरप्राइज मतलब जो लोग रिचर्ड इब्राइट uh, को जानते थे उनके लिए हैरानी की बात नहीं सरप्राइज की बात नहीं थी कि हवर ने हाईएस्ट ऑनर्स किया था हाईएस्ट मार्क्स पा करके उन्होंने अपना ऑनर्स कंप्लीट किया था तो मतलब ग्रेजुएशन कंप्लीट किया सेकंड इन हिज क्लास ऑफ फिफ्टीन वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड टेन या फिफ्टीन टेन कह सकते हैं उन्होंने पंद्रह सौ दस बच्चों में सेकंड पोजीशन पाया था वेंट ऑन द वेंट ऑन टू बिकम अ ग्रेजुएट स्टूडेंट रिसर्चर हार्डवर्ड हार्वर्ड मेडिकल स्कूल और एब्राइट जो थे उन्होंने वहां से ग्रेजुएट भी किया रिसर्च भी किया कहां से हार्वर्ड मेडिकल स्कूल से देयर ही बिगेन डूइंग एक्सपेरिमेंट्स टू टेस्ट हिज थियोरी और वहीं पर उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स भी किया अपने थियोरीज को टेस्ट भी करते थे इफ द थियोरी प्रूव्स करेक्ट और अगर जो थियोरी थी वो करेक्ट प्रतीत होती थी इट विल बी अ बिग स्टेप टूवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस ऑफ लाइफ तो यह समझने में मतलब लाइफ का जो प्रोसेस ऑफ लाइफ होता है जो लाइफ का जो चक्र होता है या लाइफ का जो बढ़ने की गति होती है उसको समझने में आसानी होती है इट माइट ऑल्सो लीड टू न्यू आइडियाज़ फॉर प्रिवेंटिंग समाइप ऑफ कैंसर एंड अदर डिजीजेज तो यह और भी हेल्प कर सकती थी यह जानने के लिए नए आइडियाज़ को बचाने के लिए और बचाव के लिए प्रिवेंट सम टाइप्स ऑफ कैंसर कुछ टाइप के कैंसर जो होते हैं उनके बचाव के लिए और अदर डिजीज के लिए भी ये जो इनका आइडिया था वो हेल्प कर सकता था ऑल ऑफ दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ इब्राइट्स साइंटिफिक क्यूरसिटी और यह सब इससे संभव था क्योंकि इब्राइट के अंदर जो था वो साइंटिफिक क्यूरसिटी थी किसी भी चीज़ को साइंटिफिक वे में जानने की जिज्ञासा थी हिज हाई स्कूल रिसर्च इन टू द पर्पज ऑफ द स्पॉट्स ऑन अ मोनार्क पोपा इवेंचुअली लेड हिम टू हिज थेरी अबाउट सेल लाइफ अब बता रहे यहाँ पे कि उनका जो हाई स्कूल में जो उन्होंने रिसर्च किया था किसने एब्राइट ने यह जानने के लिए जो स्पॉट्स होते, होते हैं गोल्डन स्पॉट्स होते हैं मोनार्क के पोपा पे वो फाइनली किस चीज़ को लीड करते हैं सेल लाइफ के आ, सेल लाइफ जो होती है इसकी थेरी को जानने में काफ़ी हेल्प किया था रिचार्ट एब्राइट हैडीन हैज़ बीन इंटरेस्टेड इन साइंस सिंस ही फर्स्ट बिग कलेक्टिंग बटरफ्लाईज रिचर्ड एब्राइड जो थे वो स्टार्टिंग से शुरुआत से ही बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे बटरफ्लाइज को कलेक्ट करने में बट नॉट सो डीपली लेकिन इतनी गहरा नहीं था उनका इंटरेस्ट उसके लिए दैट ही हैज़ एन टाइम फॉर अदर इंटरेस्ट कि उनके पास और दूसरी चीज़ों में इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए टाइम ना हो मतलब ऐसा नहीं कि वो बटरफ्लाइज में इंटरेस्टेड थे, थे तो केवल बटरफ्लाइज का ही काम करता था तो वो दूसरे भी इंटरेस्ट को जीवित रखते थे इब्राइट ऑल्सो बिकेम अ चैम्पियन डिबेटर इब्राइट जो थे एक चैम्पियन डिबेटर भी थे एंड पब्लिक स्पीकर थे एंड अ गुड कैनोइस्ट कैनोइस्ट होता है एक नाव बोटिंग जैसे की जाती है हल्की सी नाव होती है वो गुड कैनोइस्ट भी थे एंड ऑल अराउंड आउटडोर पर्सन आउटडोर पर्सन और कह सकते हैं कि वो पूरी तरह से एक आउटडोर पर्सन थे मतलब हर क्षेत्र में आगे थे ही इज़ ऑल्सो एन एक्सपर्ट फोटोग्राफर वो एक एक्सपर्ट सदे हुए फोटोग्राफर थे पर्टिकुलरली ऑफ नेचर और मुख्यतः से मुख्य रूप से वो नेचर की फ़ोटोग्राफी करते थे एंड साइंटिफिक एक्सिबिट्स और जो साइंस के जो एक्जिबिशंस थे उनकी फ़ोटोग्राफी करते थे इन हाई स्कूल रिचर्ड एब्राइट वॉज आट्रेट ए स्टूडेंट और हाई स्कूल में जो रिचर्ड एब्राइट थे वो एक स्ट्रेट एक, ए मतलब होता है कि टॉप स्टूडेंट थे वन ऑफ द टॉप स्टूडेंट में से एक थे बिकॉज लर्निंग वॉज ईजी ही टर्न लर्निंग उनके लिए बहुत ही आसान थी ही टर्न अ लॉट ऑफ हिज एनर्जी टूवर्ड्स द डिबेटिंग और वो उन्होंने अपनी एबराइट ने बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी तो है, जो थी उसको लगा रखी थी किसके लिए डिबेटिंग के लिए एंड मॉडल यूनाइटेड नेशंस क्लब के लिए मतलब डिबेटिंग की फील्ड में भी इनका था और मॉडल यूनाइटेड नेशन क्लब था इसमें भी उन्होंने अपनी काफ़ी एनर्जी लगाई थी ही ऑल्सो फाउंड समवन टू एडमायर उन्होंने ये भी पाया कि कोई उनको एडमायर कर उन्होंने ही ऑल्सो फाउंड उनको भी कोई मिला जिसकी कि वो एडमायर करते तारीफ करते वो कौन था रिचार्ड एहरर हिज सोशल स्टडीज़ टीचर जो कि उनके सोशल स्टडीज़ के टीचर थे उनकी वो तारीफ़ करते थे एंड एडवाइज़र और वो इनके सलाहकार भी थे टू बोथ क्लब्स दोनों क्लब्स के लिए मतलब इनके डिबेटिंग फैशन के लिए भी पैशन के लिए भी और इनका जो मॉडल यूनाइटेड नेशन क्लब था उसके लिए किसने इनको हेल्प किया था किसने इनको सलाह दिया था रिचार्ड ए वेरर ने मिस्टर वेरर वॉज द परफेक्ट पर्सन फॉर मी देन उस समय रिचर्ड बताते हैं सॉरी इब्राइट बताते हैं कि इनके लिए वो परफेक्ट पर्सन थे ही ओपन माई माइंड टू न्यू आइडियाज और वो जो रिचार्ड ए वेयरर थे इब्राइट के लिए एक नए नए आइडियाज वो देते रहते थे आगे बढ़ने के लिए रिचर्ड वुड ऑलवेज गिव दैट एक्स्ट्रा एफर्ट मिस्टर वेरर सेड मिस्टर वेरर कहते हैं कि रिचार्ड जो था वो हमेशा अपने काम को एक्स्ट्रा एफर्ट देता था और ज़्यादा अच्छे तरीके से करने की कोशिश करता था वट प्लीज मी वॉज हियर वॉज दिस पर्सन हु पुट इन थ्री और फोर आवर्स एट नाइट ड्यूंग डिबेट रिसर्च अब वो बताते वेरर कि जो मुझे उनको प्लीज करता है जो मुझे ज़्यादा सुख देता है या फिर मुझे कन्विंस करता है वो क्या है कि और सारे कामों के अतिरिक्त भी ये तीन से चार घंटे रात में डिबेट के रिसर्च पे देता था बिसाइड डूइंग ऑल हिज रिसर्च और अपने और दूसरे रिसर्च के साथ ये तीन से चार घंटा डिबेट के ऊपर भी लगाते थे मतलब डिबेट के लिए नए नए टॉपिक्स को नए नए रीजंस को नए नए पॉइंट्स को कह सकते हैं या डेटा को कलेक्ट करने में दिस हिज़ रिसर्च विद बटरफ्लाइज एंड अदर एंड हिज अदर इंटरेस्ट मतलब अपने अदर इंटरेस्ट के साथ बटरफ्लाई के इंटरेस्ट के साथ और दूसरे इंटरेस्ट के साथ जो रिचर्ड एब्राइट थे वो डिबेट के लिए भी तीन से चार घंटे रोज रात को निकालते थे ऐसा किसने कहा मिस्टर वहरण ने कहा तारीफ करते हुए रिचर्ड वॉज कम्पटिटिव रिचार्ड जो था एक मुकाबला करने वाला एक कम्पटिटिव स्पिरिट था कहता है कम्पटिटिव इंसान था मिस्टर वेरर कंटिन्यूड और मिस्टर वेरर कहते हुए लगातार कहते हैं बट नॉट इन अ बेड सेंस ऐसा नहीं था कि वो कॉम्पिटिटिव थे तो बुरे सेंस में थे ही एक्सप्लेन ऐसा उन्होंने व्यक्त किया और कहा रिचार्ड वॉजेंट इंटरेस्टेड इन विनिंग फॉर विनिंग सेक रिचार्ड इसलिए नहीं जीतते थे कि उनको जीतने का शौक था और विनिंग टू गेट प्राइज या फिर प्राइज पाने के लिए जीते थे रादर ही वॉज विनिंग बिकॉज यू वॉन्टेड टू टू द बेस्ट जॉब ही गुड बल्कि वो इसलिए जीतते थे या इनको जीतने का था कि वो द बेस्ट सबसे अच्छा अपनी जॉब को करना चाहते थे मतलब इनका ये नहीं था कि मैं प्राइस पा लूँ तो वो मेरा सेटिस्फैक्शन हो जाएगा रिचार्ड की एक क्वालिटी थी कि वो इसलिए जीतना चाहते थे या वो सिर्फ इसलिए जीते थे क्योंकि वो जो भी कार्य करते थे उसको द बेस्ट वे में करते थे कि जिससे उससे अच्छे तरीके से और किया ही ना जा सके इसलिए वो चीज़ों को जीते थे फॉर द राइट रीज़न ही वॉन्ट्स टू बी द बेस्ट सही माने में देखा जाए तो उनके अंदर सिर्फ द बेस्ट बनने की मतलब वो सबसे अच्छे तरीके से कोई चाइज कोई चीज़ करना चाहते थे यही इनकी क्वालिटी थी एंड देट इज़ वन ऑफ द इन्ग्रीडिएट्स इन द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट और एक साइंटिस्ट बनने के लिए यही एक क्वालिटी होती है, यही एक इन्ग्रीडियंट है जो इन जिन इन्ग्रीडियंट्स की जरूरत हो जिन सामग्री की जरूरत है जिन क्वालिटीज़ की जरूरत होती है एक साइंटिस्ट बनने के लिए वो यही है फिर कहते हैं स्टार्ट विद द फर्स्ट रेट माइंड एंड क्योरिसिटी कि आप जब स्टार्ट करिए तो अपने माइंड को एकाग्रचित करके क्योरसिटी होनी चाहिए जिज्ञासा होनी चाहिए एंड मिक्स इन द विल टू विन और जीतने की इच्छा होनी चाहिए मतलब जीतने के लिए जो द तो बेस्ट कर सकते हैं बेस्ट पॉजिटिव वे में कर सकते हैं वो करने की इच्छा होनी चाहिए फॉर द राइट रीजन सही तरीके से जीतने को तो लोग गलत गर, तरीके से भी जीतते हैं लेकिन यहाँ पे गुड सेंस में रियल सेंस में जीतने के लिए एक ललक होनी चाहिए मतलब जीतने की इच्छा होनी चाहिए एबराइट हैज़ दीज क्वालिटीज और एबराइट में ये क्वालिटीज थी फ्रॉम द टाइम फ्रॉम द टाइम द बुक द ट्रेवल्स ऑफ मुनार्क एक्स कह रहे हैं जब से उन्होंने द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स जो कि उनकी मदर ने ला करके बच्चों के बच्चों की एक बुक उनको दी थी ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस जो है इसने एक संसार खोल दिया था विज्ञान का संस्कार खोल संसार खोल दिया था किसके लिए इब्राइट के लिए रिचार्ड इब्राइड हैज़ नेवर लॉस्ट हिज साइंटिफिक क्योरेसिटी और तब से रिचार्ड इब्राइट जो थे उन्होंने जो अपनी साइंटिफिक क्वालिटीज़ थी स्प्रिट था उसको कभी नहीं खोया था तो इस तरह से हमने देखा कि इस बुक में ये बताया कि कैसे उस एक बुक ने जो कि उनकी माँ ने उनको गिफ्ट दिया था उसने उनके लिए एक विज्ञान का पूरा संसार खोल दिया और वो आगे बढ़ते चले गए आई होप कि बच्चों आपको ये स्टोरी समझ में आ गई होगी ये पूरी चैप्टर अच्छे से एक्सप्लेन किया है मैंने और आपको लाइन बाई लाइन एक्सप्लेनेशन भी इसका समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक यू